एक पेड़ के ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे, बहुत सारी चिड़ियां रहती थी। तो सुबह को चली जाती थी चिड़ियां उड़ के दाना लेने, और शाम को आके अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी। उनके घोंसले में अंडे थे। तो एक बार क्या था कि एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में दो अंडे रखे हुए थे। एक हाथी आया और उसने उस डाली को हिलाना शुरू किया। तो ऊपर चिड़िया बैठी थी घोंसले में। चिड़िया ने कहा, ची 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 ची, हाथी राजा, अरे पेड़ मत हिलाओ, पेड़ मत हिलाओ, मैं गिर जाऊंगी। हाथी बड़ी जोर से सूंड उठाया, हा 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 करके हंसा। थोड़ी देर बाद उसने फिर सूंड में ऐसे करके डाली लपेटी और फिर हिलाया। चिड़िया ने फिर कहा, हाथी राजा, हाथी राजा, अरे पेड़ मत हिलाओ, मेरे बच्चे, मेरे अंडे हैं इसमें, घोंसले में मेरे अंडे हैं, मान जाओ। हाथी राजा जो थे फिर बड़ी जोर से हंसे, बड़ी जोर से चीख आ गई और हंसे। चिड़िया डर गई, उसने सोचा अब तो मुसीबत हो जाएगी। पता लगा हाथी फिर नहीं माना, हाथी तो दुष्ट था बिल्कुल। अब हाथी ने फिर हिलाया, जब फिर हिलाया चिड़िया ने बहुत जोर से आवाज लगाई, ची 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 ची, हाथी राजा, और इतना कह के उसका घोंसला नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो उसके जो अंडे थे वो टूट गए। हाथी ने देखा और हाथी मस्ती से चला गया। चिड़िया ने रोना शुरू करा, बड़ी जोर जोर से रो रही थी। इतने में उसका एक दोस्त था कौवा, वो आया, काँव 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 काँव, चिड़िया चिड़िया क्या बात हुई? तो उसने कहा, हाथी आया था, हाथी ने पेड़ हिलाया, मेरे अंडे टूट गए, मेरा घोंसला नीचे गिर पड़ा, मैं तो बेघर हो गई, मेरे बच्चे भी मर गए। कौआ बोला, अच्छा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोली, तुम क्या मदद करोगे, इतना बड़ा हाथी। इतनी में एक चींटी आई, चींटी कितनी सी होती, छोटी सी होती। चींटी आई और उसने कहा, चिड़िया बहन तुम रो नहीं, हाथी बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया ने उसे देखा, अरे तू क्या मेरी मदद करेगी, तू तो खुद इतनी सी है, एक फूंक में उड़ जाएगी। इतने में मेंढक आया, टर टर टर, क्यों रो रही हो चिड़िया? उसने कहा, देख नहीं रहे हो, मेरे अंडे गिर गए नीचे, हाथी ने मेरे अंडे गिरा दिए। अब सबके सब बोले, हम हाथी से बदला लेके रहेंगे, चिड़िया तुम रो मत। चिड़िया के आंसू पहुंचे। चिड़िया ने कहा, तुम कैसे मेरी मदद करोगे? बोले, बताओ हाथी किधर गया है? तो उसने कहा, उधर गया। अब देखो कौआ चला, कौआ उड़ सकता है ना, कौआ ऊपर काँव 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 करके उड़ा और फिर चुप हो गया और धीरे धीरे देखने लगा कि कहाँ पर है हाथी। और चींटी मेंढक की पीठ पे बैठ गई। मेंढक बोला, अरे तुम तो चल ही नहीं पाओगे, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ। और मेंढक उछलता उछलता कौए के बताए रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी देर में देखा कि हाथी जो था वो लेट गया एक जगह जाके, मजे से मस्त हो गया, सो गया। चींटी पहले उसकी पूंछ पे चढ़ी, फिर उसके पेट पे चढ़ी, फिर उसके कान पे चढ़ी। हाथी को तो पता ही नहीं लगा इतनी छोटी। और फिर वो नीचे उतरते उतरते उसकी सूंड में घुस गए और सूंड में उसने काट लिया। अब जो काटा तो हाथी को बड़ी जोर से दर्द हुआ, वो यों यों करके उसने अपनी सूंड इधर उधर फटकाई, लेकिन चींटी तो अंदर घुस गई। इतने में कौआ आया, कौए ने उसकी दोनों आंखों में अपनी चोंच मारी। अब तो आंखों में उसके दर्द होने लगा, खून निकलने लगा। अब हाथी उठा, अब जब हाथी उठा तो उसकी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। अब वो चलने लगा, आंख से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे आगे मेंढक जो था वो टर 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 करता हुआ हाथी के आगे आगे चलने लगा। और जब उसने देखा कि हाथी को तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो वो एक बहुत गहरे गड्ढे में, कुबड़ा सा गड्ढा था, उसमें उतर गया और टर टर ऐसे करता चला जाए।
हाथी केवल सुन के ये समझ रहा था कि यहाँ पर पानी है, चलो मैं अपना मुंह धो लूंगा। मेंढक आगे आगे टर टर करता जा रहा था और हाथी उसके पीछे पीछे सुनता जा रहा था, और कौवा ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था, और मेंढक के पीठ पे जो चींटी बैठी थी वो तो हाथी की सूंड में घुस गई थी। अब पता लगा कि हाथी ने जो फुंकार मारी तो चींटी तो निकल के बाहर और हाथी गड्ढे में गिरा। जब हाथी गड्ढे में गिर गया बड़ी जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचाता उसे। चिड़िया भी ऊपर छोड़ के आ गई थी, वो देख रही थी कि हाथी को नीचे गिरा दिया। चींटी मेंढक आया, चींटी को फिर से अपनी पीठ पे बिठा लिया। अब हाथी तो गिर गया गड्ढे में, और बाकी वो जो सारे दोस्त थे वो सब क्लैपिंग करने लगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है ना, तो इसलिए हाथी ने गंदा काम किया तो हाथी को उस काम का बुरा फल मिला। लेकिन इससे हमें ये पता लगता है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो गलत काम करता है तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है अच्छा काम कर। देखो, चींटी ने हेल्प करी, कौवे ने हेल्प करी, मेंढक ने हेल्प करी, और उसको हाथी को गिरा दिया। तो हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, और अच्छे काम में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। समझ में आया? थैंक यू।